हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में मनीष यहाँ पर रूही से कहेंगे बोल बेटा बोल। रूही यहाँ पर डीप ब्रेथ लेगी। रूही डिसाइड करेगा कि वो डॉक्टर को कॉल करे। वो वरिड है रूही कहीं बेहोश ना हो जाए। मनीष रोहित से कहते हैं बेटा डॉक्टर को कॉल करो। कियारा माधव से कहती है लाइए आप बेबी दीजिए। माधव कहते हैं कि बेबी यहाँ पर अपने दादू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। बेबी रोता है कियारा को देखकर। आर्यन कियारा को टीज करता है। अभीरा यहाँ पर अरमान से रूही के बारे में बात करती है। वो सोचती है कि रूही एकदम क्लूलेस है कि उसका बेबी तो बचा ही नहीं। अभीरा कहती है कि आखिर वो डिप्रेशन में आखिर कैसे चली गई, क्या वो बेबी को खोने के बाद चली जाएगी फिर से डिप्रेशन में। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अरमान सोच कर। सुरेखा पोदार से कहती है कि रूही को होश आ गया है। अभीरा बेबी को रूही को दिखाने के लिए ले जाती है। रूही बेबी देखती है। डॉक्टर कहते हैं पोदार से कि रूही रिकवर कर रही है, इसलिए वो कहती है कि कोई ना कोई आप में से रूही के आसपास रहिए। मनीष यहाँ पर कावेरी से कहते हैं कि हम पोदार के घर चलेंगे बेबी के साथ खेलने के लिए। कावेरी मनीष से कहती है रुक जाइए। मनीष जी यहाँ पर बेबी के साथ खेलते हैं। वो कहते हैं कि अरमान तुम बेबी को लेने आ रहे हो। रोहित यहाँ पर बेबी देता है अरमान को। अरमान स्ट्रेस में खड़ा है। कावेरी अभीरा और अरमान से कहती है जाओ तुम सो जाओ। क्रिश यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। कियारा आर्यन और चारू डाउट करते हैं कि क्रिश की कोई अफेयर चल रहा है। क्रिश मना कर देता है। अरमान यहाँ पर गिल्टी फील करता है रोहित और रूही से उसका हक छीनने के लिए। वो कहता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊँगा अगर बेबी को कभी सच का पता चल गया कि मैं उसका रियल पेरेंट नहीं हूँ। अरमान वरिड है रूही के बारे में और बेबी कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। क्रिश अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत खुश हूँ। वो कहता है कि बस मैं एक बार माउंटेन मूस से मिल जाऊँ। चारू डाउट करती है कि क्रिश की ज़रूर गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि कृष्ण तुम बस पापा से बच के रहना। अभीरा यहाँ पर बेबी के बारे में बुरा सपना देखती है, उसे डर है बेबी खोने का। अरमान अभीरा को कंसोल करता है। अभीरा कहती है अरमान मैंने बहुत गंदा सपना देखा। वो कहती है अरमान से कि बेबी कहाँ है और बेबी उसे कंफर्ट करता है। अभीरा कहती है अरमान से कि देखो तुम कितने अच्छे फादर हो। अरमान कहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ बेबी के लिए, वो मन में कहता है। अभीरा सोचते कि अरमान स्ट्रेस है शायद रोहित की वजह से। वो कहती है कि जाओ रोहित को तुम्हारी ज़रूरत है। विद्या अभीरा के बेबी के लिए तैयारी करती है। कावेरी कहती है विद्या से कि क्या आप अभी भी गुस्सा हैं मैडम। अभीरा और अरमान से वो कहती है कि मेरा कोई हक नहीं है बेबी पर, आप यही कहना चाहती है ना। वो विद्या को रिस्ट्रिक्ट कर देती है बेबी के करीब जाने से। अभीरा स्ट्रगल करती है बेबी के कपड़े पहनाने में। कावेरी कहती है मनीषा से कि जाओ जाकर के हेल्प करो। विद्या खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए।